माई क्रश वॉज मनीष अग्रवाल. स्कैरी एंड डिफिकल्ट, बट आई डिड इट. एक झटके में कर लिया था मेरे साथ. हाय, दिस इज करण नाथ एंड यू आर वॉचिंग मी ऑन टेली मसाला. फर्स्ट डेयरिंग थिंग आई डिड इन पब्लिक, आई थिंक वे बैक ड्यूरिंग ये दिल आशिकाना, वेर आई टू जम्प फ्रॉम लाइक 100 feet डाउन. And वहाँ पे काफी पब्लिक मतलब मौजूद थी. एंड या एंड एक चॉपर मेरे पीछे पड़ा हुआ था. एक शॉट अगर आपको याद है, मैं पहाड़ से कूदता हूँ, मेरे पीछे चॉपर एग्जिट करता है क्लाइमैक्स के टूवर्ड्स. तो काफी मतलब डीप था वो, हाइट बहुत बड़ा था, 100 feet तक वो था. नीचे सब बॉक्सेस बॉक्सेस तो थे, गद्दे वद्दे एकदम यू नो भारी भारी गद्दे थे. बट देन टू जम्प फ्रॉम दैट हाइट वॉज क्वाइट स्कैरी एंड डिफिकल्ट, बट आई डिड इट. एक झटके में कर लिया था मेरे साथ. मैं एक झटके में कर देता हूँ. ओके, फर्स्ट प्रपोजल इफ यू रिमेम्बर. फर्स्ट मैरिज प्रपोजल और रिलेशनशिप प्रपोजल. रिलेशनशिप प्रपोजल. आई थिंक आई डिड फॉर ब्रीफ पीरियड. आई वाज देयर इन कॉलेज बिकॉज़ आई लेफ्ट एंड आई केम इनटू ये दिल आशिकाना. सो 11th में there was this girl, I forgot, I don't want to name her, but yeah, she had proposed me with, I remember she bought, you know, huge flowers and lot of chocolates and a small teddy bear and all that, so it was very cute. First holiday, you know, you'll be really surprised to know that I've never done this in my life. I've never been on any holiday alone. जब भी गया हूँ फैमिली के साथ गया हूँ, मॉम डैड को लेकर गया हूँ. तो आई हैव नेवर डन दिस बिफोर, कभी किया नहीं मैंने. जब भी गया फैमिली अफेयर कम्प्लीटली, क्योंकि अकेले जाके मैं बोर हो जाता हूँ. मतलब शूटिंग पे भी जाता हूँ तो ठीक है, चलो वो तो आपको काम वाम करना पड़ता है, पर उसके अलावा अगर मुझे कहीं जाना अकेले तो मैं हमेशा फैमिली को साथ में लेके जाता हूँ. सो वी ऑल एंजॉय टुगेदर. फर्स्ट पेशा ड्यूरिंग ये दिल आशिकाना, यस ऑफ कोर्स. During that time, yeah, एक ऐड किया था मैंने. मैं काफी और छोटा था, बल्कि 16 साल का था. इट वॉज फॉर सम टीवी ऐड. वो एक ही ऐड किया मैंने लाइफ में. तो आई थिंक भारती टेलीकॉम, आई थिंक उनके लिए था ये ऐड मैंने किया था. एंड मेरे अलावा और भी लोग थे उसमें. तो उस टाइम पे मुझे कुछ मिले थे पैसे, तो वो था मेरा फर्स्ट पेचेक. फर्स्ट बॉलीवुड क्रश, ऑल्दो यू नो माधुरी मैम इज माय फेवरेट टॉप एक्ट्रेस, बट माय क्रश वाज मनीषा कोइराला. प्राउड मोमेंट. बिफोर ये दिल आशिकाना आई वॉज टेनिस प्लेयर. आई प्लेड लॉन टेनिस एट अ नेशनल लेवल. तो मैंने काफी MSLTA टूर्नामेंट्स खेले एंड जीते. तो मैं एक MSLTA टूर्नामेंट जीत के आया था. तो आई वॉज वेरी हैप्पी. दैट वॉज अ प्राउड मोमेंट फॉर मी बिकॉज विनिंग अ महाराष्ट्र स्टेट रैंकिंग टूर्नामेंट इटसेल्फ इज वॉज प्रीटी बिग. तो या दैट वॉज क्वाइट अ थिंग फॉर मी दैट टाइम. उसके बाद ऑफकोर्स ये दिल आशिकाना सक्सेस वॉज लाइक द बिगेस्ट मोमेंट फॉर मी. I think I've faced rejection for like, you know, I've dealt with struggle, failure and rejection for quite काफी टाइम तक. तो उसमें तो ठीक है, it's fine. I mean, you know, it's a journey. तो लाइफ में सक्सेस आता है एंड साथ में रिजेक्शन भी आता है, फेलियर भी आता है, स्ट्रगल भी आता है. तो यू हैव टू गो थ्रू ऑल फेजेस, बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज यू हैव टू बी पॉजिटिव थ्रू आउट योर जर्नी एंड कीप स्माइलिंग. Enjoy your family moments and aaj to kya sabse zyada zaruri to yahi hai to for your family to be safe and happy, and that's what life is all about. Baki sab cheeze aate rahenge, success aayega jayega, you know, temporary. Pehli baar kisi ne mujhe pehchana, fan aise bahut sare hue hain, but jab I guess jab ये दिल आशिकाना के जब यू नो सॉन्ग वॉन्ग ट्रेलर चालू हुए थे,
तब मैं जिम में मैं जाता था, लोग पहचाने लग गए थे, अरे विनाश का लड़का है ये वो सब ये तो. सो यार दैट वाज स्पेशल. ऑलराइट करण, थैंक यू सो मच. एंड एनी लास्ट मैसेज टू ऑल द फैंस आउट देयर वाचिंग यू बिफोर यू एंटर द हाउस? यस, बिग बॉस के घर में आ रहा हूँ मैं बहुत जल्दी. एंड आप लोग के लिए मैं आ रहा हूँ, तो आई होप आप सब मुझे यू नो ढेर सारा प्यार देंगे एंड सपोर्ट देंगे, क्योंकि आप लोग के प्यार मोहब्बत के विदाउट मैं शो में आगे नहीं बढ़ पाऊंगा. सो जरूर मुझे ढेर सारा प्यार दीजिएगा, सपोर्ट कीजिएगा, बिकॉज वेरी इंपॉर्टेंट टू मी. अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं ये गेम शो जीतूं बिग बॉस 15, सो प्लीज बी देयर फॉर मी बिकॉज आई एम कमिंग फॉर योर.